हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सी फोर साइकिल और सी फोर पाथवे, आल्सो नोन एज डाई कार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे, हैच स्लैक पाथवे। फॉर अ कंसिडरेबल लॉन्ग टाइम हम सोचते रहे कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए सिर्फ एक ही पाथवे है, दैट इज केल्विन साइकिल या सी थ्री साइकिल, जिसमें हमने लास्ट टाइम पढ़ा था फाइनल प्रोडक्ट रहता है हेक्सोस सुगर्स। लेकिन बाद में 1965 में कोर्ट स्लैक एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने और उनकी टीम ने मिलके, एटोल है ना, उनकी टीम ने मिलके क्या कहा कि कुछ प्लांट होते हैं जैसे सुगर केन की लीव्स हैं, वहाँ पर क्या है फर्स्ट स्टेबल जो कंपाउंड बना, उन्होंने देखा एक फोर कार्बन कंपाउंड बना, दैट इज डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑल्सो नोन एज मैलिक एसिड। लेकिन हमारा सी थ्री साइकिल में फर्स्ट कार्बन फर्स्ट जो स्टेबल कंपाउंड बन रहा था वो एक थ्री कार्बन कंपाउंड था, तो इन्होंने देखा यहाँ पर फोर कार्बन कंपाउंड है, दैट मीन्स ये कोई और साइकिल चल रहा है जो भी क्या कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर रहा है। तो बाद में इसी को आगे कंफर्म और एलेबोरेट किया गया बाय टू साइंटिस्ट के द्वारा, एम डी हैच एंड सी आर स्लैक इन 1966 में। उन्होंने क्या देखा कि कुछ प्लांट जैसे मेज, सोरगम, पैनिकम है, यहाँ पर एक अनदर पाथवे भी चल रहा है जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिडक्शन कर रहा है। इन्होंने इस पाथवे को क्या नाम दिया, हैच स्लैक पाथवे। सिंस द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन दिस साइकिल इज फोर कार्बन कंपाउंड, दैट इज डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इज ऑल्सो नोन एज सी फोर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या रहेंगी इस प्लांट सी फोर जो साइकिल जिन प्लांट्स के अंदर हो रहा है उनको हम बोलेंगे सी फोर प्लांट्स। उन प्लांट्स की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स रहती है। सी फोर प्लांट आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन, ऑल्सो नोन एज ट्रॉपिकल ग्रासेस, जीरोफिटिक कंडीशंस में मिलेंगी, जो सब ट्रॉपिकल जो रीजन है इंडिया का वहाँ पर मिलते हैं। नाउ ए डे देर आर मोर देन 1500 स्पीसीज ऑफ सी फोर प्लांट्स बिलोंगिंग टू लगभग कितनी 18 फैमिलीज से, ठीक है, जिनमें हमारी 15 डाइकोट फैमिलीज होती हैं और 3 क्या होती है हमारी मोनोकोट फैमिलीज होती हैं। एफ यू आर जैसे ग्रैमिनी, काइप्रेसी, चिनोपोडेसी, अमेरेंथस, कंपोस्टी एक्सेट्रा, ये फैमिलीज होती हैं। सी फोर प्लांट एग्जीबिट ए नंबर ऑफ स्पेसिफिक एनाटॉमी, फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल करेक्टरिस्टिक्स कॉल्ड सी फोर सिंड्रोम। जो इनमें स्पेशल टाइप की एनाटॉमिकल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसे आप बोलते हो क्रेंज एनाटॉमी। नेक्स्ट आपकी क्या है, क्रेंज एनाटॉमी क्या होती है। सी फोर प्लांट पोजेस ए कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट ऑफ मीजोफिल टिश्यू अराउंड द वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ क्या रहता है मीजोफिल टिश्यू प्रेजेंट होता है सी फोर प्लांट के अंदर। सेकेंड क्या है, इनर सेल और बंडल सीट सेल्स आर लार्जर इन साइज देन द आउटर मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल हैव स्मॉल इंटर सेलुलर स्पेस। ये है आपकी क्रांच एनाटॉमी, इसमें ये क्या है आपकी मीजोफिल सेल्स, ये क्या है आपकी बंडल सीट सेल, मीजोफिल सेल्स के बीच में क्या रहता है स्मॉल स्मॉल स्पेस रहता है, इंट्रासेलुलर स्पेस रहता है। और जो आपकी बंडल सीट सेल है इसने क्या किया है आपके जो वेस्कुलर बंडल है उसको क्या क्या कम्प्लीटली सराउंड किया, वेस्कुलर टिश्यूज को और बंडल सीट सेल को सराउंड किसने किया है आपकी मीजोफिल सेल ने किया है। थर्ड पॉइंट क्या रहेगा, बोथ द मीजोफिल सेल एंड बंडल सीट सेल आर कनेक्टेड विद प्लाज्मोडेस्माटा। देखो यहाँ पर जो ये मीजोफिल सेल है ये क्या है आपकी बंडल सीट सेल है, इनके बीच में जो कनेक्शन रहता है दैट इज प्लाज्मोडेस्माटा। नेक्स्ट है आपका क्लोरोप्लास्ट है इज ए डायमॉर्फिक ऑफ, मतलब टू टाइप का क्लोरोप्लास्ट यहाँ प्रेजेंट होता है। दे पोजेस, किस हिसाब से हम इन्हें डिफर कर रहे हैं डेंसिटी के अकॉर्डिंग, हैंस कैन बी सेपरेटेड, अगर हम इन्हें अलग अलग निकाल के देखते तो कौन से मेथड से करेंगे, दैट इज डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, इससे हम पता लगा लेंगे जो मीजोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है वो किस टाइप का है और जो बंडल सीट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है वो किस टाइप का है। नेक्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट ऑफ बंडल सीट सेल आर लार्जर इन साइज, जो बंडल सीट सेल का क्लोरोप्लास्ट है जो डार्क कलर में दिखा रखा ना आपको ब्लैक, ये आपके क्या है क्लोरोप्लास्ट है, जो क्लोरोप्लास्ट है बंडल सीट सेल का वो लार्ज साइज का होता है और अरेंज्ड होता है सेंट्रिपिटली, दैट मींस टुवर्ड द सेंटर, देखो ये आपका पेरिफेरी है ये इसका सेंट्रल पार्ट है तो सेंटर की तरफ ये आपका सारे के सारे क्लोरोप्लास्ट अरेंज्ड है। कंटेन एबंडेंट, इनके अंदर लार्ज अमाउंट में स्टार्च ग्रेन्स होते हैं। दे यूजुअली लैक ग्रेना, इनके अंदर ग्रेना नहीं होते, जो हमने पढ़ा था ना थैलेकोइड्स, ग्रेना, स्टोमा, तो ग्रेना इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं, बट इनके पास रूबिस्को एंजाइम की एक्टिविटी होती है, इसी वजह से ये सेंथेसिस कर पाते हैं राइबोलोज बेस फॉस्फेट एंड फॉस्फोग्लिसरिक एसिड,
किसको यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके टू प्रोडक्ट बनाते हैं, राइबोलोज बेस फॉस्फेट एंड फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। नेक्स्ट इज योअर क्लोरोप्लास्ट ऑफ द मेसोफिल सेल आर स्मॉलर इन साइज एंड लैक द स्टार्च। जो मेसोफिल सेल के आपके क्लोरोप्लास्ट रहेंगे वो छोटे रहेंगे और उनके अंदर क्या रहेगा, स्टार्च नहीं रहेगा, जबकि हमारे पास जो बंडल सीड सेल थी उनके जो क्लोरोप्लास्ट थे वो बड़े थे और उनके अंदर क्या था, स्टार्च ग्रेन भी ज़्यादा अमाउंट में था। दे पोजेस द, जो आपके क्लोरोप्लास्ट रहते हैं मेसोफिल सेल के, इनके पास ग्रेना भी रहेगा एंड ऑल अदर यूजुअल फीचर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जो और फीचर्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट के वो सब प्रेजेंट रहेंगे एंड इन ग्रीन प्लांट्स। बट इनके पास जो रूबिस्को एक्टिविटी होती है ना बंडल सीड सेल की क्लोरोप्लास्ट के अंदर, वो यहाँ पर एबसेंट रहती है। सिग्निफिकेंस क्या रहता है अभी, क्रेंज एनाटोमी की ज़रूरत क्या है कि हम ऐसे स्पेसिफिक टाइप की क्रेंज एनाटोमी ये प्लांट पोजेस करता है, वो क्यों रहता है, इसको ऐसी क्या ज़रूरत है कि इसको ये स्पेसिफिक टाइप की एनाटोमी रखनी पड़ती है। फर्स्ट है कंसेंट्रिक, जो अरेंजमेंट रहता है टिश्यूज़ का, कंसेंट्रिक बताया था ना, कंसेंट्रिकली अरेंज होती है आपकी मेसोफिल सेल अराउंड योर बंडल सीड सेल या वेस्कुलर बंडल के अराउंड में आपकी मेसोफिल सेल क्या रहेंगी, कंसेंट्रिकली अरेंज रहेंगी। वो प्रोवाइड करता है स्मॉल सरफेस एरिया इन रिलेशन टू वॉल्यूम, जिसकी वजह से क्या है, ट्रांसपेरिंग जो सरफेस है वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से अलाउ करता है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल वाटर। अब ट्रांसपेरिंग जो सरफेस अगर वो कम हो जाएगा तो क्या रहेगा आपका, वाटर क्या है, ट्रांसपेरेंट कम रहेगा, और ट्रांसपेरिंग अगर इवेपोरेट कम होगा तो हम उस वाटर को क्या है यूज़ कर सकते हैं तो जहाँ पर हमें उसकी रिक्वायरमेंट है। सेकेंड क्या है, इट ऑल्सो हेल्प द प्लांट टू सर्वाइव इन हाइयर रेडिएशन, मतलब जहाँ पर सनलाइट ज़्यादा अमाउंट में गिर रही है वहाँ पर भी प्लांट क्या है सर्वाइव कर सकता है। थर्ड क्या है, C4 प्लांट एक्यूमुलेट द एक्सेस कटायन, किनको, कैटायंस को ज़्यादा अमाउंट में क्या है एक्यूमुलेट करता है, ताकि जब आपका ये C4 कार्बोक्सीलेशन का प्रोसेस चलता है उस टाइम पे जो एनायन बनते हैं उनको बैलेंस किया जा सके। नेक्स्ट है आपका वेरियस मैकेनिज्म, हम जो C4 प्लांट के पाथवे वो पढ़ते हैं इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैकेनिज्म्स फॉलो करता है कोई प्लांट, कोई अलदर अनदर मैकेनिज्म, तो सम प्लांट कुछ और प्लांट मैकेनिज्म यूज़ करेंगे, तो उसके बेसिस पे आपके 3 टाइप के मैकेनिज्म्स डिस्कवर्ड किए गए हैं। फर्स्ट क्या है इसमें, इन रिसेंट ईयर्स इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट C4 प्लांट सो द वेरिएशन इन द मैकेनिज्म ऑफ C4 पाथवे, पर्टिकुलरली द वे इन विच 4 कार्बन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड इज डीकार्बोक्सिलेटेड इन द बंडल सीड सेल, मतलब जो आपका 4 कार्बन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है उसको कैसे बंडल सीड सेल के अंदर डीकार्बोक्सिलेटेड किया जाता है, इसी की डिफरेंस की वजह, किसी में किसी तरीके से किया जाता है, किसी प्लांट में अलग पाथवे फॉलो किया जाता है। इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट देयर इज सम कोरिलेशन बिटवीन द लीफ एनाटमी, अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड डीकार्बोक्सिलेटिंग मैकेनिज्म। ऑन दिस बेसिस 3 कैटेगरी ऑफ C4 प्लांट एंड C4 मेटाबोलिक पाथवेज आर रिकॉग्नाइज। तो फर्स्ट क्या रहेगा आपका, NADP पॉजिटिव ME टाइप C4 पाथवे, तो इसमें क्या रहेगा, C4 पाथवे पोजेस द NADP पॉजिटिव मैलिक एंजाइम फॉर डीकार्बोक्सिलेशन। एग्जाम्पल कौन क्या क्या रहेंगे, कौन से ऐसे प्लांट्स जिनमें आपका ये पाथवे फॉलो होता है, जीमेज, सैक्रम ऑफिसिनेरिस, सोरगम, यूफोर्बिया हिरटा, ये दीज प्लांट पोजेस सेंट्रीफ्यूगल क्लोरोप्लास्ट, मतलब टुआर्ड द अवे फ्रॉम द सेंटर या फिर टुआर्ड द पेरीफेरी, क्लोरोप्लास्ट जो अरेंज है वो टुआर्ड द पेरीफेरी अरेंज है एंड ग्रेनास आर एबसेंट। नेक्स्ट आपका क्या रहेगा, NAD पॉजिटिव ME टाइप C4 पाथवे, C4 प्लांट पोजेस द NAD पॉजिटिव मैलिक एंजाइम, उसमें क्या था ऊपर वाले में, NADP पॉजिटिव मैलिक एंजाइम, इसमें क्या रहेगा, NAD पॉजिटिव मैलिक एंजाइम फॉर डीकार्बोक्सिलेशन। एग्जाम्पल रहेंगे इसका एट्रिप्लेक्स एटसेट्रा एमेरेंथस वगैरह, दीज प्लांट पोजेस द सेंट्रीपिटल क्लोरोप्लास्ट, उसमें क्या था सेंट्रीफ्यूगल, इसमें सेंट्रीपिटल क्लोरोप्लास्ट, वहां पर आपके ग्रेनास जो थे एब्सेंट थे, यहाँ पर इस टाइप पाथवे में आपके ग्रेनास जो प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट आपका पाथवे रहता है PCKME टाइप C4 पाथवे, दिस पाथवे पोजेस PEP फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम, ठीक, कार्बोक्सी काइनेज, कौन सा, यहाँ पर ये कार्बोक्सी काइनेज एंजाइम फॉर डिकार्बोक्सिलेशन, एग्जाम्पल क्लोरीज, स्पोरोबोलस एक्सेट्रा रहेंगे आपके, ये प्लांट पोजेस करते हैं सेंट्रीपिटल क्लोरोप्लास्ट एंड ग्रेना। नेक्स्ट हम इसमें डिटेल स्टडी करेंगे फर्स्ट टाइप को, दैट इज C4 पाथवे NADP पॉजिटिव ME पाथवे।
ये पाथवे जो होता है इन्वॉल्व करता है टू टाइप के ऑर्गेनेलीज को, दैट इज मेसोफिल सेल एंड बंडल शीथ सेल। एंड बोथ टाइप के हमने पढ़े थे, दोनों के अंदर क्या क्लोरोप्लास्ट पोजेस होते हैं, तो दोनों के क्लोरोप्लास्ट को यूज़ करता है ये आपका कंप्लीट पाथवे रहेगा। ये आपका मेसोफिल सेल के अंदर रहे एंड ये आपका बंडल शीथ सेल के अंदर। तो वन बाय वन हम इन दोनों को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहले मैं ओवरऑल आपको बता देती हूँ ये प्रोसेस कैसे चलेगा। फर्स्टली आपका क्या रहता है, मेसोफिल सेल के अंदर फॉस्फोइनोल पाइरूवेट जो है प्रेजेंट होता है। जैसे ही स्टोमेटा ओपन होते हैं, एयर एंटर करती हैं, एयर जब एंटर करती है यहाँ पर फॉर्मेशन होती है आपकी किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करेगा। कुछ प्लांट क्या रेस्पिरेशन करेंगे, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलके क्या बनाएगा, बाइकार्बोनेट आयन बनाता है। ये बाइकार्बोनेट आयन आपका ऐड होता है फॉस्फोइनोल पाइरूवेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोक्सीलेज, ये फॉर्मेशन करता है ऑक्जैलो एसीटेट की। देन ऑक्जैलो एसीटेट या तो क्या करेगा, मेसोफिल सेल का जो आपका क्लोरोप्लास्ट है वहाँ एंटर कर जाएगा, या फिर क्या करेगा, एक अनदर पाथवे फॉलो करेगा और वहाँ पर फॉर्मेशन करेगा एस्पेरेटिक एसिड की। एस्पेरेटिक एसिड भी आपका सी फोर मतलब कार्बन फोर कंपाउंड ही होता है, ठीक है, फोर कार्बन कंपाउंड ही रहेगा। देन आपका जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिटेट है वो क्या करेगा, कन्वर्ट इंटू मेलेटाइन, कन्वर्ट इंटू मेलेटाइन्स में मेलेटाइन आपका रहेगा सी थ्री थ्री कार्बन कंपाउंड, जिसकी वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, सॉरी यह आपका क्या रहेगा, मेलिक एसिड जो रहता है वो सी फोर कार्बन कंपाउंड रहता है, जबकि मेलेटाइन जो आपके होते हैं वो थ्री कार्बन कंपाउंड ही रहेंगे। ऑक्जेलो एसिटिक एसिटेट जो रहता है कन्वर्ट हो जाएगा मेलेटाइन में इन द प्रेजेंस ऑफ किसके, NADH पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव, और कन्वर्ट हो जाएगा जो कि NADP पॉजिटिव में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डीहाइड्रोजिनेस। देन आपका मेलेट कहाँ जाएगा, यहाँ से आपका क्लोरोप्लास्ट ऑफ मेसोफिल सेल से जाएगा क्लोरोप्लास्ट ऑफ बंडल शीथ सेल में। यहाँ आने के बाद आपका मेलेट आयन डिसोशिएट हो जाएगा या फिर कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, पाइरूवेट के अंदर, जो कि आपका फोर कार्बन कंपाउंड रहता है। कैसे कन्वर्ट होता है, NADH को यूज करके जो कन्वर्ट हो जाएगा, NADH क्या करेगा, रिड्यूस हो जाएगा इन द NADH पॉजिटिव और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से रिलीज हो जाएगा। ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा, केल्विन साइकिल के अंदर जाएगा। केल्विन साइकिल में इसको फॉस्फोग्लिसरिक एसिड यूज कर लेगा आगे हेक्सो शुगर को फॉर्मेशन करने के लिए। और जो आपका क्या बना है यहाँ पर, आपकी जो फॉर्मेशन हुई है पाइरूवेट की, ये पाइरूवेट जाएगा क्लोरोप्लास्ट ऑफ बंडल शीथ सेल से क्लोरोप्लास्ट ऑफ मेसोफिल सेल के अंदर। वहाँ पर जाकर ये क्या करेगा, कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोइनोल पाइरूवेट के अंदर यूज करके किसको, आपकी पावर्स को, एटीपी को यूज करेगा। एटीपी गेट कन्वर्टेड इंटू एएमपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जो एनर्जी यूज होती है उसको बनाने, किसको बनाने में यूज कर ली इसने, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट को इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम काइनेज। फॉस्फोइनोल पाइरूवेट देन क्लोरोप्लास्ट से कहाँ जाएगा, बंडल इसमें साइटोप्लाज्म ऑफ द मेसोफिल सेल, वहां पर फिर अगेन से कार्बन डाइऑक्साइड को यहां से फिक्स करवाएगा। इसको अब हम डिटेल में स्टडी करते हैं। इन द मेसोफिल सेल फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, कार्बोक्सिलेशन। प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉस्फोइनोल पाइरूविक एसिड एज इट हैज मोर एफिनिटी विद कार्बन डाइऑक्साइड देन राइबोलूज बिसफॉस्फेट के कंपैरिजन में। इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द मेसोफिल सेल जो फॉस्फोइनोल पाइरूवेट भी बोल सकते हैं इसे, या फिर फॉस्फोइनोल पाइरूविक एसिड, अगर एसिड बोलोगे तो पूरा बोलना है, पाइरूवेट बोलोगे तो देन एसिड नहीं बोला जाएगा, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट। फॉस्फोइनोल पाइरूवेट रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर टू फॉर्म द ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो कि एक आपका फोर कार्बन कंपाउंड रहता है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोइनोल पाइरूविक कार्बोक्सिलेज। इन फैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड इज फर्स्ट डिजोल्व इन वाटर इन साइटोप्लाज्म, क्या बनाएगी वो, बाइकार्बोनेट आयन विच आर इन्वॉल्व इन कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। यहाँ पर फॉस्फोइनोल पाइरूवेट कार्बोनेट आयन वाटर मिलकर क्या, किसकी प्रोडक्शन की, आपके फाइनल प्रोडक्ट दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड की। नेक्स्ट स्टेप रहेगा रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड इज देन ट्रांसपोर्ट के जाएगी किसमें, क्लोरोप्लास्ट ऑफ द मेसोफिल सेल। ये याद रखने कि कहाँ मेसोफिल सेल का क्लोरोप्लास्ट है, कहाँ साइटोप्लाज्म है मेसोफिल सेल का, कहाँ बंडल शीथ सेल का क्लोरोप्लास्ट है, कहाँ बंडल शीथ सेल का साइटोप्लाज्म में रिएक्शन हो रही है।
इट इज़ एन अनस्टेबल प्रोडक्ट, जो आपका ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है ये एक अनस्टेबल प्रोडक्ट रहता है, इज़ रिड्यूस इन टू मैलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, और मैलिक एसिड आपका स्टेबल प्रोडक्ट रहता है। तो एन ए डी पी एच प्लस में एच पॉजिटिव प्रोवाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन इस रिएक्शन को, तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज कन्वर्ट हो जाएंगे मैलिक एसिड के अंदर, और आपका जो ये रिड्यूस होने के बाद बन जाएगा एन ए डी पी पॉजिटिव। नेक्स्ट है आपका कि जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड रेडली सेट एन इक्विलिब्रियम विद सी फोर, मतलब वो अभी मैंने बताया था ना कि कुछ रिएक्शन में एस्पेरेटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये इक्विलिब्रियम सेट करके रखता है सी फोर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में इन कुछ अनदर कैटेगरी ऑफ सी फोर प्लांट के अंदर इन बंडल सीथ सेल। थर्ड स्टेप क्या रहेगा हमारा, डिकार्बोक्सीलेशन, जो कहाँ होगा बंडल सीथ सेल में। फर्स्ट स्टेप था कार्बोक्सीलेशन, देन सेकेंड स्टेप क्या था आपका रिडक्शन रिएक्शन, और थर्ड जो दोनों हो रहे थे आपके मेसोफिल सेल के अंदर, थर्ड स्टेप जो रहेगा डिकार्बोक्सिलेशन वो होगा आपका बंडल सेल सेट के अंदर। फ्रॉम द क्लोरोप्लास्ट ऑफ मेसोफिल सेल द मैलिक एसिड इज मैलिक एसिड जिसको हम मैलेट भी बोल रहे थे ट्रांसफर्ड टू द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द बंडल सीथ सेल वेयर मैलिक एसिड इज डिकार्बोक्सिलेटेड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड पायरुविक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एन ए डी पी पॉजिटिव स्पेसिफिक मैलिक एंजाइम। मैलिक एसिड यूज करेगा यहाँ से पावर्स को एंड कन्वर्ट हो जाएगा पाइरूवेट एसिड में। पीछे हमने एन ए डी पी एच से बनाया था एन ए डी पी, यहाँ पर एन ए डी पी पॉजिटिव को यूज करके दोबारा से इस पावर को जनरेट कर लिया जाता है। नेक्स्ट स्टेप रहता है कार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हुई थी वो एंटर कर जाएगी केल्विन साइकिल में, वो एक्सेप्ट कर ली जाएगी राइबोलोज 20 फॉस्फेट के इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आर यू बी पी कार्बोक्सिलेज, और जिससे क्या बनेगा क्या आपका फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। नेक्स्ट है आपका इन मेसोफिल सेल, मेसोफिल सेल में नेक्स्ट स्टेप रहेगा आपका फिर फॉस्फोराइलेशन, दोबारा से मेसोफिल सेल में चला जाएगा ये पाइरूवेट। पाइरूविक एसिड प्रोड्यूस इन थ्री स्टेप इज ट्रांसफर्ड टू द स्टेप जो थर्ड में बना है वो ट्रांसफर्ड कर दिया जाएगा क्लोरोप्लास्ट ऑफ द मेसोफिल सेल वेयर इट इज फॉस्फोराइलेटेड टू जनरेट द फॉस्फोइनोल पाइरूविक एसिड। इस रिएक्शन ये कैटेलाइज की जाती है बाय द एंजाइम पाइरूवेट फॉस्फेट काइनेज रिक्वायर ए मोलिक्यूल ऑफ ए टी पी विच इज सप्लाइड बाई लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस से हमने जो ए टी पी बनाया था वहाँ से हमने यहाँ पर यूज कर लेंगे इस ए टी पी को। पायरुविक एसिड प्लस ए टी पी प्लस एच थ्री पी ओ फोर क्या बनाएगा काइनेज प्रेजेंस में फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। इसकी सिग्निफिकेंस क्या रहेगी बी सी फोर प्लांट की, बी सी फोर जो पाथवे प्लांट यूज कर रहा है क्यों रहता है। फर्स्ट क्या है, सी फोर प्लांट कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इवन इन लो कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन एंड हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये पॉइंट आपको माइंड में क्लियर रखना है कि कौन से प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड कम देंगे तो भी वो चलेगा, या फिर एक मिनिमम अमाउंट अगर नहीं दे रहे हैं तो वो नहीं काम करेगा। कौन आपका लो लाइट इंटेंसिटी में वर्क करता है, कौन आपका हाई लाइट इंटेंसिटी में वर्क करना है, एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहते हैं ये पॉइंट्स। नेक्स्ट क्या है, दीज आर एबल टू ट्रैप द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आउटसाइड एयर, एयर से लेंगे और अंदर क्या है जो सेल के अंदर रेस्पिरेशन हो रही है उस प्रोसेस से भी ले रहे हैं। बिकॉज ऑफ हाई एफिशिएंसी ऑफ द पेप कार्बोक्सिलेज दे आर एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इवन इन द स्टोमा क्लोज, अगर आपका स्टोमेटा क्लोज भी रहता है तब भी ये काम करेंगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एफिशिएंसी जो है फॉस्फोइनोल पाइरूवेट की बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि अंदर रेस्पिरेशन हो रही है रेस्पिरेशन से भी उसको अपटेक कर लेता है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार स्टोमेटा खुले और वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड जो आएगी उसी को ये यूज करें, कभी कभी ये बिना स्टोमेटा की ओपनिंग के भी काम करता है। नेक्स्ट क्या है, इफेक्ट ऑफ वाटर स्ट्रेस इन द सी फोर प्लांट इज मिनिमम एज बंडल सीथ सेल आर क्लोज टू वाटर सप्लाई। तो क्या कहा था कि जो बंडल सीथ सेल थे कुछ तो उनकी अरेंजमेंट इस तरीके की रहती है, और कुछ वो बंडल सीथ जो सेल रहती हैं जो बंडल सीथ सेल रहती हैं वो इस तरीके से अरेंज रहती है कि वो ट्रांसपीरेशन को कम से कम करें, जिसकी वजह से बंडल सीथ सेल के पास में क्या था जाइलम और फ्लोएम थे, वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट थे, वहाँ से वो डायरेक्ट वाटर को यूज़ करती रहती है और वेपोरेट नहीं होने देती, तो इसलिए वाटर स्ट्रेस कंडीशन के अंदर भी ये साइकिल अपना अच्छे से एफिशिएंसी वर्क कर सकता है। सी फोर प्लांट पोजेस द बेटर अडेप्टेबिलिटी टू एडवर्स एनवायरमेंट कंडीशन, जो हमने पढ़ा कि जैसे लो कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन रहेगी, हाई लाइट इंटेंसिटी रहेगी, वाटर स्ट्रेस कंडीशन रहेगी, तब भी ये प्लांट बहुत अच्छे से काम कर रहा है,
दैट मीन्स ये इसके अंदर एक अडेप्टेशंस आ चुकी है, इस अडेप्टेशंस की वजह से ये आराम से काम कर रहा है। तो ये हम बोल सकते हैं कि जब भी एडवर्स कंडीशन रहेगी तो C3 साइकिल हो सकता है ब्लॉक हो जाए, बट C4 साइकिल अपना काम प्रॉपर करता रहेगा एंड पोजेस द हायर फोटोसिंथेटिक एबिलिटी देन द C3 प्लांट। नेक्स्ट आपका क्या रहेगा, हम कुछ डिफरेंस पढ़ लेते हैं केल्विन साइकिल और हैट्सलेक साइकिल के बीच में, कि जो इनके बीच C3 साइकिल एंड C4 साइकिल के बीच में डिफरेंस क्या क्या रहते हैं, क्योंकि दोनों ही भी हमारे क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर रहे हैं। तो डिफरेंस क्या रहेगा, फर्स्ट इज आपका केल्विन साइकिल, फर्स्ट पॉइंट रहेगा इट टेक प्लेस इन द C3 प्लांट्स एंड सेकेंड इट टेक प्लेस इन द C4 प्लांट्स। सेकेंड स्टेप रहेगा प्राइमरी एक्सेप्टर जो रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड का इन केल्विन साइकिल इज राइबुलोज बिस फोस्फेट, जो कि एक 5 कार्बन कंपाउंड था। जबकि आपका C4 साइकिल हैट्सलेक पाथवे के अंदर क्या रहेगा, आपका प्राइमरी एक्सेप्टर कार्बन डाइऑक्साइड का रहेगा फोस्फो इनोल पायरुविक एसिड, जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड है। केल्विन साइकिल में 5 कार्बन कंपाउंड, प्राइमरी एक्सेप्टर जो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा, लेकिन C4 प्लांट के अंदर आपका एक 3 कार्बन कंपाउंड रहेगा जो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा। नेक्स्ट है आपका केल्विन साइकिल के अंदर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा आपका फोस्फोग्लिसरिक एसिड, जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड रहता है, इसीलिए इसको केल्विन साइकिल को C3 साइकिल भी बोला जाता है। जबकि हैट्सलेक साइकिल के अंदर आपका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट रहता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो ये 4 कार्बन कंपाउंड है, इसीलिए आपके हैट्सलेक साइकिल को C4 साइकिल भी बोला जाता है। नेक्स्ट है ओनली वन टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये आपका इसमें याद रखना भाई, हैट्सलेक पाथवे के अंदर जो 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है ये थोड़ा अनस्टेबल सा ही रहता है, यहाँ पर स्टेबल लिखा हुआ है लेकिन ये इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, तभी तो ये जल्दी कन्वर्ट हो जाता है मैलेटाइन के अंदर। लेकिन अगर कंपैरिजन देखा जाए तो अनदर कंपाउंड फोस्फोइनोल पायरुवेट, उन सबके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा स्टेबल रहता है, बाद में ये एस्पेरेटिक एसिड या फिर मैलेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इसको ही कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट है ओनली वन टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑफ मेसोफिल सेल आर इन्वॉल्व इन द, तो क्या था, सिर्फ उसमें क्लोरोप्लास्ट में ही काम चल रहा था केल्विन साइकिल के अंदर, यहाँ पर 2 टाइप के ऑर्गेनेलीज हम यूज़ कर रहे हैं मेसोफिल सेल एंड बंडल शीथ सेल के क्लोरोप्लास्ट को। नेक्स्ट क्या है आपका C3 साइकिल के अंदर ओनली वन साइकिल इन्वॉल्व होता है, दैट इज रिडक्टिव पेंटोज फोस्फेट साइकिल। जबकि आपका जो हैट्सलेक पाथवे रहता है इसके अंदर क्या C4 साइकिल तो होता ही रहता है, साथ में क्या था मैंने बताया था ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही थी वो कहाँ यूज हो रही है, C3 साइकिल में यूज हो रही है केल्विन में, तो साथ में क्या है C3 साइकिल भी चलता रहता है इस पाथवे के अंदर। नेक्स्ट क्या है देयर इज एसिमिलेशन ऑफ 2 NADPH2 एंड 3 ATP मॉलिक्यूल, और जबकि वहां पर C3 साइकिल में 2 NADPH और 5 ATP मॉलिक्यूल्स आपके यूज हो रहे हैं, ठीक है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन फुल लाइट इज लेस, मैंने बताया था ना कि फुल लाइट में C3 साइकिल काम नहीं करेगा लेकिन C4 साइकिल काम करेगा, इसको हाई रेडिएशंस में भी ये काम करता है जी। C3 साइकिल जो आपका रहेगा कैन नो टक्कर इन लो कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बट आपका C4 साइकिल काम करेगा लो कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन पॉइंट इज 50 to 150 पार्ट्स पर मिलियन, लेकिन C4 साइकिल में आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन पॉइंट रहेगा दैट इज 0 to 10 पार्ट्स पर मिलियन। जो C4 साइकिल में एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इनहिबिट्स, अगर आपके एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन कितनी होती है 21% होती है ना, ये इनहिबिट करते हैं फोटोसिंथेसिस को, रिड्यूस करते हैं ज़्यादा अगर आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो। लेकिन C4 साइकिल में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कोई भी इफेक्ट नहीं डालती है, नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। C3 साइकिल एट लो टेम्परेचर देयर इज हायर नेट एसिमिलेशन वहील एट हायर टेम्परेचर इट इज रिड्यूस, मतलब लो टेम्परेचर पे अच्छे से काम करता है, लेकिन C4 साइकिल के अंदर क्या है रिवर्स इफेक्ट रहेगा, दैट मींस हायर रहेगी एट द लो हायर टेम्परेचर कंडीशन के अंदर, और ठीक है अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या रहेगा आपकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा रहती है। ऑप्टिमम टेम्परेचर एट विच फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन C3 प्लांट इज 10 to 25 degrees Celsius एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर इन इज 30 to 45 degrees Celsius फॉर द फोटोसिंथेसिस इन C4 प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट है रेट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन इज हाई, ठीक है, और रेट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन क्या रहेगी यहाँ पे नेग्लेजिबल अमाउंट में। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक्टिविटी इज हाई एंड यहाँ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक्टिविटी इज लो। फोटो रेस्पिरेशन वर्ड हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, अब वहाँ पर वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है।
यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है C4 साइकिल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।